हेलो, तुम नहीं अपने गए थे? माननीय ग्राम पंचायत जिलहरका जी बोल रहे हैं जी? राम नरेश जी? जी सर जी। भैया हम जो है राम बाबू तिवारी बोल रहे हैं, सोच छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बोल रहे हैं जी। बताएं भैया, थोड़ा सा 5 मिनट का समय चाहिएगा आपका जो है। जी जी बताएं। एक आपके यहाँ भावरपुर पड़ता है शायद, आपके ग्राम पंचायत। आप ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, भावरपुर पड़ता। किस लिए? उस भावरपुर की काफी चोरी हमने देखी जो है, उस पर एक थोड़ा सा पेपर लिखना चाह रहे थे हम। तो हमने आप पूछे जो है कैसा क्या है जी। तो नदी है घरार। अरे भैया तिवारी जी, वो गहरा नाला है। गहरा नाला है? हाँ गहरा नाला, वो एमपी से आता है, आज हमारी यूपी में खत्म हो जाता है एमपी के पास। जी जी जी। तो उसमें ये विद्याधाम समिति वाले हैं राजा भैया जी वहाँ। हाँ अब मैं नहीं कह रहा हूँ, कहा मैं कह अपने गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो 50 लेबर का लेके वहाँ बैठा दिया था उन्होंने। अच्छा, पता लेबर 50, वो ग्राम पंचायत की लेबर थी कि कोई और लेबर थी? ग्राम पंचायत की लेबर थी, उनका नरेगा में काम चल रहा था, जबकि अभी मास्टर रोल भी उनके निकले हैं। अच्छा, वो लोग खंती डाल रहे थे वहाँ पिक्चर निर्माण में। जी जी। तो लेबर उसका ये राजा भैया वाले का काम है भैया ये, कहीं घास की रोटी खवाना, कहीं महुआ खिलाना, कहीं सूखी रोटी खिलाना, एनजीओ के माध्यम से वो पैसा कमाता है। जी जी जी। उनसे कह दिया है कि ना तुम 50 मीटर आगे काम करना, ना 50 मीटर पीछे, तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठो और यहीं अपना खाना खा। अब तुम्हें मैं 20 किलो आटा, 10 किलो चावल और सरसों का तेल 5 किलो, जी जी, बिस्कुट आंवला का तेल, ये मैं व्यवस्था कराऊंगा जी। अब मनरेगा का पैसा वो ग्राम पंचायत कराएगी जी। उसका जो नाला साफ हुआ उसका एस्टीमेट बना है 250 मीटर का, सब लोगों के मास्टर रोल भी निकले हैं जी जी जी। सीडीओ साहब भी गए थे, बीडीओ साहब भी गए थे, आज कोई लखनऊ से टीम भी पहुंची है जी जी। हेलो, बिजी हैं क्या आप प्रधान जी? नहीं बिजी नहीं है, बताए भैया। हाँ तो वही जो है थोड़ा सा, इसका मतलब ये कि ग्राम पंचायत से काम हो रहा है, हम ये मांग चले। जी जी जी। ग्राम पंचायत से काम हो रहा है तो ग्राम पंचायत को भी कुछ श्रेय मिलना चाहिए भाई। नहीं वो कुछ, हाँ तो कौन उन्होंने कुछ दिया है उन्हें? हाँ हाँ, ऐसे मीठी बातें करके है 5 दिन, उन्हें तो हाईलाइट करना है उनका काम है। पानी निकल आया है उसमें, वो पानी कहाँ से आ गया है? पानी सर हमारे बात कर वो हमारे यहाँ से एमपी से तेन नदी से नहर निकली है। नहर? हाँ बड़ी नहर जी जी, जो आपके अतर्रा होते हुए, बांदा होते हुए बेंदा घाट तक चली जाती है, केन नदी से निकली है जी जी जी। तो 20 मई को नहर आई है जी, तो नहर का पानी भर गया है, अतला 3 बार बड़ी जोर से बारिश हो चुकी है जी जी। ज्यादा से ज्यादा गहराई उसकी है 4-5 मीटर जी। बताइए 4-5 मीटर में भाई साहब कहाँ से पानी निकाल आएगा? ये बात है भाई, एक्चुअली इतना खबर काफी हमने देखा, तो काफी खबर हमने देखा, तो हम सोचा कि उस पर हम भी कुछ लिख पढ़ते हैं, अपने रिसर्च पेपर लिख दें जो है। तो हमने मीडिया भी आई थी इसका, ये राजा भैया विद्या समिति वाले का ये काम है भैया। कई बार इसकी FIR भी हो चुकी है, कई बार 73 भी लग चुके हैं, अपना पैसा ऐसा दे के ये बच चुका है जी जी जी। तो मतलब उसको हम ये मान के चले कि वो नदी नहीं है? और नदी नहीं है भैया, वो एक ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर 1.5 मीटर का नाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी नाला तो इस तरह जैसे भैया हर गांव में होते, हमारे गांव में बताती नाले हैं, हर गांव में नाले हैं। मतलब नाला की और नहर की ज्यादा से ज्यादा 250 या 200 मीटर की दूरी है। नाला है गहर में और
नहर ही ऊंचाई में, तो उसी का पानी आ गया। हाँ, उसी का पानी आ जाता है। अच्छा, तो जो पानी आ गया तब भी लेबर काम करती रही, तो ये हुआ कि नदी से पानी निकल आया। हाँ हाँ, नीचे पानी भर रहा है। 20 मई के नहर आ गई है, काम लगा है अभी उसमें। लगा होगा आज के तारीख 11-12 तारीख का काम लगा हुआ। अच्छा, खबर में हम लोग जो पढ़े हैं प्रधान जी, हाँ, इसमें ये पढ़े हैं कि श्रमदान से मतलब ये 52 मजदूर प्रवासी मजदूर जो आए हैं, हाँ, और ये प्रवासी मजदूर श्रमदान से काम किए हैं। नहीं, खबर में आपने जो पढ़ा वो सही निकला है। जबकि हाँ, राजा भैया उनसे कह दिया है कि मैं तुम्हें सामान रही हूँ खाने के लिए, हाँ, कोई भी आए आप ये कह देना कि हम श्रमदान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। तो मतलब वो मजदूर कहते हैं कि हम श्रमदान कर रहे हैं। मजदूर जब वो खंती डाल रहे हैं, उनके मास्टर रोल निकल रहे हैं, तो कहाँ से कहेंगे कि ये हम श्रमदान कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें, ये लोग कह रहे हैं कि हमें इतना गेहूं मिली, इतना आटा मिली, इतना चावल मिली, इतनी दाल मिली, तुम थोड़ी देर का मेरे साथ हैं, यहाँ बैठ जाइए। ठीक ठीक ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है प्रधान जी आपका। वही मैंने कहा पेपर थोड़ा सा एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हमको लगी थी कि वाकई मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और लोग जागरूक हैं कि 52 मजदूर आए हैं भाई बाहर से, और अपने गांव के लिए, खुशहाली के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं। नहीं भाई, मजदूर वहाँ आए हैं, भावरपुरों में 80 मजदूर आए हैं। हाँ, अगर उन्हें काम में लगवाना है, श्रमदान में लगवाना है, तो फिर 80 को लगाए ना। 50 से 51 क्यों नहीं करते हैं, 50 से 49 क्यों कह नहीं करते हैं। अच्छा, तो वो जो एक उसके आगे का स्टेप हमने पढ़ा है प्रधान जी गांव में, हाँ, में कि वो मतलब उस नदी जीवित हो जाने से, खराब नदी जीवित हो जाने से किसान क्या है कि वो करेंगे, एक बीघा जो है उनको देंगे और फिर उसकी कटाई में करेंगे, खेती करेंगे, तो उससे खुशहाल हो जाएंगे वो लोग। सब ये ड्रामा है, सब ये ढकोसले हैं, सब ड्रामा है। तो ये अखबार वाले कैसे साथ देते हैं? नहीं, ये मीडिया से मिला हुआ है ना, एक जल संसान वाले कोई है लखनऊ के, उनके इसका पैट रहता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। यहाँ तो पूरे बांदा जिले में इसे बगैर गाली की कोई बात ही नहीं करेगा। अभी आज खबर पढ़े, आज की जो है अमर उजाला में। हाँ, मैं तो अभी इलाहाबाद से वापसी आ रहा हूँ। इलाहाबाद खत्म हो गया, अभी अतर्रा तक आया हूँ, आ गया हूँ वापसी। दादाजी खत्म हो गए थे, उनकी उनकी आरती सरती लेके गए थे। अरे अरे अरे, इलाहाबाद तो हम भी रहते हैं, बताए होते हैं आप जो हमारे लिए कुछ सेवा जो है। हम ये कह रहे हैं कि जो है वो आपका जो है अभी खबर एक अमर उजाला में आई है, हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोगों को बुलाएंगे, श्रमिकों को सम्मानित करेंगे। अच्छा, हाँ, तो हम इसी लिए हम जो है उसमें पेपर लिखना चाह रहे थे एक जो है, मतलब हम लोग का रिसर्च पेपर अलग होता है कि कहीं मतलब अब मीडिया वाला पेपर नहीं होता, उसमें शोध करके कि मतलब पेपर का भी रेफरेंस ले करके और जो प्राइमरी इंटरव्यू लेकर के वहाँ जाकर डेटा कलेक्शन करके, तो हम पेपर लिखना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि आपसे थोड़ा सा बात कर लें, उधर अखबारों का तो सेकेंडरी डेटा माना जाएगा जो अखबारों में आया है, और बहुत अच्छा दैनिक जागरण भी गए थे, सब तो यहाँ झूठ है। जब झूठ है तो भी कह रहे हैं कि झूठ है, सब ढकोसले कर रहे हैं। अब ये चाहे मुख्यमंत्री के सम्मानित करें, चाहे प्रधान जी सम्मानित करें, अब इससे तो हमें कोई वो नहीं है, कहा बुरा है झूठा। अच्छा, मतलब दैनिक जागरण वाले नहीं निकाले हैं उसको जब वहाँ गए थे। बताइए, कहीं 4 फुट में पानी निकल आएगा, 70 फुट में तो पानी नहीं निकलता है। नहीं, कहीं कहीं ऐसा नदी में हो जाता है ना, तो वो ऐसा नहीं है। नहीं, नदी भैया, नदी तब हो जाती है जब नदी खुद गहराई में होती है 15-20 फुट 30 फुट, फिर जब हाँ, नीचे खोदेंगे तब पानी निकलेगा 5-6 फुट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो मिला के कितना लंबा नाला होगा ये? वे अपने पंचायत में जी पूरा 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 नाला। अब पूरा तो ऐसा कि होगा लगभग 4-5 किलोमीटर का, 4-5 किलोमीटर का नाला होगा। हाँ, और आपकी पंचायत में जो है बिलहारपुर का पंचायत में लगभग 1.5-2 किलोमीटर। अच्छा, 1.5-2 किलोमीटर।
अच्छा पूरा ये भी देखिए जो है मैंने अखबार में आपका जो है ऑनलाइन खोजने के लिए कॉन्टेक्ट जो है बड़ा मुझे मशक्कत करनी पड़ी कि पूरे ग्राम पंचायत का नाम भी नहीं है कहीं। अब भावरपुर जो है ग्राम पंचायत न से वो ऑनलाइन मिल ही नहीं रहा भाई नारायणी ब्लॉक में तहसील नारायणी बिलहर का हाँ ग्राम पंचायत बिलहर का है। हेलो बिलहर का पंचायत के नाम से मिलेगा वो। हाँ वही पंचायत बिलहर का है भावरपुर मुझे लगता है मजरा है उसका। हाँ मजरा है। हाँ हाँ तो वही हम भावरपुर से खोज रहे थे तो मिल ही नहीं रहा था जो है तो फिर जो है स्थानीय लोगों से पता किए कितना बड़ा काम हो रहा है भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में तो क्यों ना इसमें स्टोरी लिखी जाए बहुत बड़ा काम है एक तरीके से। इस तरह से कैसे काम नहीं है बड़ा सा जीरो है जिस तरीके से हम लोग अखबार में पढ़ा है वही ना मानेंगे। अब तो आपसे बात करने के बाद पता चल रहा है ना कि जीरो है। चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपको बहुत 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 आभार आपका है ना क्या मतलब ठीक है प्रणाम नमस्ते।